सो हैलो एवरीवान सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वॉन्ट टू अपोलॉजाइज फॉर बिंग दिस लेट लाइक आई एम रियली सॉरी मैं बहुत टाइम से गायब हो गई थी लाइक जो भी मेरा प्ले लिस्ट फॉलो कर रहा होगा उसको पता होगा कि मैंने बहुत टाइम बाद पोस्ट किया बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट बट इफ़ यूर न्यू की वॉच इंग सो इन दिस वीडियो वे गोइंग टू सी लूप फॉर लूप इन जॉबर सो फॉर लूप के बारे में देखेंगे हम तो पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं इन जावर द फॉर लूप इज इज कंट्रोल फॉर स्टेटमेंट फॉर स्पेसिफाइंग आइट्रेशन विच अलाउ द को कोड टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली तो हम फॉर लूप इसीलिए यूज़ करते हैं अगर हमें कोई स्पेसिफिक चीज़ को एक स्पेसिफिक आइट्रेशन तक ही रन करना है तो हम फॉर लूप यूज़ करते हैं तो so, इसको सिंटैक्स है दिखते हैं फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन अपडेट एंड यहाँ पे हमारा कोड आएगा एंड जो भी आएगा उस इस ब्लॉक के अंदर आएगा वो ओके सो व्हाट इज़ इनिशियलाइजेशन सो इनिशियलाइजेशन इज जब हम कोई भी वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं जब हम उसमें एक वैल्यू फिक्स कर देते हैं दैट इज़ इनिशियलाइजेशन एंड कंडीशन कंडीशन का मतलब ये होता है कि हमें क्या कंडीशन फॉलो करना है या कौन सी कंडीशन के बेसिस में हमारा कोड रन होगा वो एंड लास्ट इज अपडेट अपडेट कैन बी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं या तो फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं अब हम इसके कॉम्पोनेंट्स देखते हैं लाइक जो मैंने अभी अच्छे अभी एक्सप्लेन किया उसको हम अच्छे से देखते हैं So the first one is initialization.

नेक्स्ट इज कंडीशन बिफोर ईच इटरेशन, कंडीशन इज इवेल्युएटेड इफ इट इज ट्रू द लूप बॉडी इज एग्जीक्यूटेड इफ इट इज फॉल्स, द लूप टर्मिनेट्स तो कंडीशन मतलब ये होता है जिस कंडीशन के बेसिस में हमारा कोड रन होगा अगर हमारा कंडीशन ट्रू रहेगा तो हमारी लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी एंड पॉल्स रहेगा तो ऑफकोर्स मतलब ही क्या एग्जीक्यूट करने का तो एग्जीक्यूट नहीं होगा एंड द लास्ट वन इज अपडेट दिस इज एग्जीक्यूटेड आफ्टर ईच आइट्रेशन ऑफ द लूप बॉडी इट इज टिपिकली यूज टू अपडेट द लूप कंट्रोल वेरिएबल अपडेट अपडेट सुनने में यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया होगा लेकिन इसकी जगह पे आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लिख लिख सकते हैं तो अपडेट हम इसलिए यूज़ करते हैं जैसे कि पहले इनिशियलाइज किया था तो उसको एक पहली एक वैल्यू होगी अब थ्रू आउट द कोड थोड़ी ना उसकी सेम वैल्यू होगी उस वैल्यूज़ को चेंज करने के लिए उस वैल्यूज़ को अपडेट करने के लिए हम इस, इसे यूज़ करते हैं या तो हम इसमें वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं या तो फिर डिक्रीज कर सकते हैं ओके okay? एंड अब हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं जिससे हमें इसका फ्लो पता चलेगा सो so, ये रहा हमारा फ्लो चार्ट फर्स्ट स्टार्ट एंड देन हम ऑफकोर्स हम डायमंड शेप में कंडीशन लिखते हैं दिस इज कंडीशन अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ओके एंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो मैंने बोला उसकी वैल्यू थोड़ी ना थ्रू आउट द लूप सेम रहेगी तो हम इसीलिए उसकी वैल्यू क्या करेंगे हम उसकी वैल्यू को अपडेट करेंगे यानी उसकी वैल्यू या तो यहाँ पे इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज़ होगी फिर वो वापस कंडीशन में जाएगा फिर वापस कंडीशन टू होते एग्जीक्यूट होते रहेगा बट जैसे ही हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा वो एंड हो जाएगा या तो वो स्टार्टिंग में ही फॉल्स हो सकता है यानी कंडीशन में जाते ही पता चल गया कि फॉल्स हो गया तो बाहर आ जाएगा या फिर ये कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएगा तब तो फॉल्स हो जाएगा एंड नोट दिस हमारा कंडीशन एक टाइम पर फॉल्स होना ही चाहिए क्योंकि अगर हमारा कंडीशन फॉल्स नहीं हुआ ये इस कॉन्स्टेंट लूप में फंस जाएगा ओके okay, तो जब हमारा कंडीशन फॉल्स होगा तो एंड होगा तो ये लूप तो खत्म होना ज़रूरी है ओके एंड okay? ये फॉल्स uh, uh, है यानी जब भी हमारा कंडीशन फुलफिल हो वो ख़त्म हो जाएगा या तो फिर पहले कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकता तो तभी भी एंड हो जाएगा ओके okay? एंड अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम एक सीधे एग्जाम्पल हमारे क्लास का नाम है पब्लिक क्लास मेन यहाँ पे एम कैपिटल है एम स्मॉल एम मतलिक ने एडिट थ्रू करेगा पब्लिक स्टार्टिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्स फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो आई इस लेजन फाइव आई प्लस प्लस ओके एंड देन वी आर प्रिंटिंग सिस्टम आउट प्रिंट एल इन आइट्रेशन एंड यहाँ पर आई की वैल्यू प्रिंट करें एंड दिस इज एंडेड ओके तो पहले हमारे हैं आई की वैल्यू जीरो यानी आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो आई की वैल्यू होगी जीरो आई इस फाइव ये कंडीशन ट्रू है क्या क्या ज़ीरो इज लेजन फाइव ऑफकोर्स ये ट्रू है तो वो अंदर आएगा एंड ये लाइन प्रिंट करेगा आइट्रेशन आई आए. तो यहाँ पर ऐसे आइट्रेशन लिख के आएगा एंड देन आई की वैल्यू देट इज़ ज़ीरो ओके okay, एंड वो वापस अंदर जाएगा तो देखिएगा कि आई इज लेसन जीरो और अगेन जीरो इज लेस देन फाइव एंड वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा तो आई प्लस प्लस यानी आई की वैल्यू जीरो थी अब वो हो जाएगी प्लस प्लस होगा तो हो जाएगा वन तो जाएगा आइट्रेशन आई तो वापस आइट्रेशन वैल्यू से लिखेगा एंड देन वन लिखेगा अगेन जाएगा तो देखिएगा वन वन इज लेस देन फाइव दैट इज़ ट्रू अगेन जाएगा आई प्लस यानी वन प्लस वन हो जाएगा तो हो जाएगा ट्रू टू प्रिंट कर देगा थ्री फोर फाइव सिक्स सॉरी फाइव तक जाएगा फोर तक जाएगा एंड जैसे देखिएगा फाइव इज ग्रेटर देन फाइव ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा क्योंकि फाइव इज ग्रेटर देन फाइव नहीं होता फाइव इज़ इक्वल टू फाइव होता है तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा एंड वो लूप के बाहर आ जाएगा तो हमारे सिस्टम में प्रिंट होगा ज़ीरो वन टू थ्री थ्री एंड फोर ओके ये जस्ट एक एक्सप्लेनेशन का वीडियो था आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो बट uh, इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं है मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया बट अगर आपको फॉलोअप या लूप्स के बारे में और सीखना है तो आपको ऑफकोर्स कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये जस्ट आपको लॉजिकली एक्सप्लेन करने के लिए कि इसका वर्किंग कैसे होता है इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा है ओके okay? एंड uh, आप लूप से रिलेटेड और क्वेश्चन करेंगे तभी आपको लूप समझ में आएगा क्योंकि ऐसे वीडियो सीख के कोई फायदा नहीं है एंड और अगर आपको कोई डाउट्स हैं या फिर आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए प्लीज राइट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन जावा का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अगर आपको चाहिए तो वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग एंड शेयरिंग द वीडियो थैंक यू